एंटरटेनमेंट न्यूज ऑफ द वीक। दिलीप कुमार के देहांत ने रुलाया पूरा बॉलीवुड। ट्रोल हुई शिल्पा शेट्टी तो ठगी का शिकार हुई मीरा राजपूत। इस हफ्ते भी बॉलीवुड के गलियारे में कई बड़ी खबरों की गूंज सुनने को मिली है। अलग अलग घटनाओं की वजह से कई बॉलीवुड सितारे इस हफ्ते लाइमलाइट में बने रहे। इंडियन फिल्म हिस्ट्री हर हफ्ते आपको इन खबरों का ब्यौरा हफ्ते के आखिर में देता है। अपने इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। दिलीप कुमार का हुआ निधन। 7 जुलाई को दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। वो 98 साल के थे। सांस लेने में तकलीफ के चलते दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां फिल्म स्टार ने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार की मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। उनके जनाजे में बॉलीवुड के दिग्गज सितारे नजर आए। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, रणबीर कपूर, दिया मिर्जा और करण जौहर का नाम शामिल है। कपड़ों की वजह से ट्रोल हुई शिल्पा शेट्टी। करीना कपूर के बाद अब शिल्पा शेट्टी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। कुछ समय पहले ही शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर के सेट पर पोज देती नजर आ रही है। मास्क न लगाने की वजह से लोग शिल्पा शेट्टी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हेटर्स शिल्पा शेट्टी को मालाबारा की किम कर्दाशिया बता रहे हैं। ठगी का शिकार हुई शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ऑनलाइन शॉपिंग करके ठगी का शिकार हो गई। कुछ समय पहले ही मीरा कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। मीरा कपूर ने दावा किया है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने ऑनलाइन एक फोन का कवर खरीदा था। घर आए प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी घटिया है। अपने इस पोस्ट में मीरा कपूर ने फोन कवर की तस्वीर शेयर की है। करीना कपूर के बच्चे का हुआ नामकरण। करीना कपूर खान और सैफ अली खान इसी साल फरवरी के महीने में दोबारा माता पिता बने हैं। करीना कपूर खान के मां बनने के बाद से ही फैंस उनके बेटे का नाम जानने के लिए बेताब है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कपल ने अपने दूसरे बच्चे का नाम जे फाइनल कर लिया है। भूलभुलैया 2 की रिलीज डेट बढ़ी आगे। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। कई फिल्में हाथ से निकलने के बाद अब कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल की रिपोर्ट की माने तो कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 की रिलीज डेट अगले साल तक के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। भूलभुलैया 2 की शूटिंग इसी महीने से शुरू होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे कुछ कारणों के चलते अगले महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।